मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2018 में कौन सी पार्टी जीत कर सामने आती है, भले ही उसका फैसला 11 दिसंबर को हो, लेकिन वोटर द्वारा उनकी हार जीत आज वोट मशीन में बंद हो जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव 2018 के लिए चुनाव में वोटिंग आज हो रही है। मध्य प्रदेश में जहाँ कांग्रेस अपने आप को 15 साल के बाद वापस आने की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी की कोशिश चौथी बार अपनी सरकार बनाने की होगी। मतदान के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम करे हैं। हम आपको बता दें कि आज मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव की वोटिंग 40 सीटों के लिए हो रही है। मध्य प्रदेश में 230 के लिए वोटिंग चल रही है। मिजोरम में प्रातः 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 5,04,00,000 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे, जिसमें वो 2960 उम्मीदवारों में से 230 उम्मीदवारों को चुनकर मैदान में लाएंगे। इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जीत कर आना चाहेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बीजेपी के लगातार चौथी बार जीत के सिलसिले को भेदना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। ये प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। अब देखना यह होगा कि इस चुनावी संग्राम में इन दो बड़ी पार्टी में से कौन सी पार्टी इस बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने की दावेदारी पेश करती है। अभी आपने देखी खबर SS की एक रिपोर्ट।